सुनिएगा। पाठ्य 9 भगवत गीता के अध्याय से सीख देते हुए, यू आर बोर्न एम्प्टी हैंडेड एंड यू विल लीव दिस मदर अर्थ एम्प्टी हैंडेड। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाना है, बस यही है सीख। और इंसान का जीवन है क्या, जब ऊपर वाले ने भेजा तो खाली हाथ भेजा, नंगा। और जब हम जाएंगे भी, कोई मिट्टी में समा जाएगा, कोई धुआं बनकर उड़ जाएगा, तभी भी हम बस अपने आप ही होंगे और हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, ना हमारी प्रॉपर्टी, ना हमारे कपड़े, ना हमारा कमाया हुआ धन या हमारी अकड़। जैसे आए थे बस वैसे ही मिल जाएंगे प्रकृति की गोद में। और मेरे हिसाब से इसका तो उदाहरण देना भी ठीक नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत सामान्य सी बात है। ये रोजमर्रा की जिंदगी का आईना है और हमें हमेशा अपने मन में इस बात को ठान कर रख लेना चाहिए कि जो भी है ऊपर वाले की दया से है और हमारे कर्म से है, और जब नहीं भी होगा तो भी ऊपर वाले का ही आशीर्वाद समझकर परिस्थिति का सामना करते हुए कर्म करते रहना है। ये दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है और हम इस रंगमंच की कठपुतलियां, जब तक शो चलेगा तब तक हमारा सफर चलेगा, क्या कमाएंगे क्या कमाएंगे, लेकिन जब जाने की बारी आएगी तब तो नंगे ही आए थे और नंगे ही जाएंगे, वो भी खाली हाथ। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से 10वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि हवस, गुस्सा और लालच सबसे बड़े दुश्मन है। भला क्यों और कैसे ये जानने के लिए 10वीं सीख को जरूर सुनिएगा।